हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। भाई, जैसे कि मेरे पास एक भाई का कमेंट है और उनका नाम है राजकुमार यादव, और उन्होंने कमेंट किए हैं। उस कमेंट को मैं स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ और पढ़ के सुना दे रहा हूँ कि भाई ने कमेंट क्या किए हैं। लिखे हैं, भाई हमको तगड़ा होना है, कुछ भी खाता पीता हूँ शरीर में नहीं लगता, इसलिए भाई ज़रूर वीडियो वीडियो बनाने के लिए बोले हैं। और इन नाम अगला आगे लिखे हैं राजकुमार यादव। देखो भाई, शरीर में कुछ प्रॉब्लम होता है, इस वजह से हम कुछ भी खाते पीते हैं नहीं लगता। और क्या क्या कारण है वो बता दे रहा हूँ। तो भाई को क्या प्रॉब्लम है कि खाते पीते हैं वो शरीर में नहीं लगता। देखो, कुछ कंडीशन प्रॉब्लम होता है बॉडी में, जैसे हमारे बॉडी के अंदर आँत में, बड़ी आँत में एक कीड़ा होता है, इतना बड़ा, 1 या 1.5 मीटर का, काफ़ी मोटा होता है, आँत जैसे होता है वो होता है। और उसको हम फीताकृमि बोलते हैं, जो टुकड़े टुकड़े में फ्रेश होने जाओगे, टुकड़े टुकड़े में खंडित खंडित निकलता जाएगा, वो कीड़ा होता है, वाइट वाइट। या छोटे छोटे और कीड़े होते हैं, जैसे मीठा मीठा रात के सोते वक्त दूध में जैसे चीनी डाल के पी जाओगे ना, लगातार पीते रहोगे हफ्ता दो हफ्ता महीना, तो कीड़े बनने लगे, मीठा मीठा खाने की वजह से कीड़े बनने लगते हैं भाई। तो एक छोटे छोटे होते हैं, एक बचपना से होता है कि बचपना में निकला तो निकला, नहीं तो जब जब एज बढ़ता जाएगा तो हमारा क्या है, वेट गेन नहीं होगा। कुछ भी खाएं पिएंगे तो शरीर में नहीं लगेगा, ठीक ना। तो एक होता है भाई, इसको हम फीताकृमि बोलते हैं, और किताबी भाषा में फीताकृमि, और इसको एंट अमीबा हिस्टोलिटिका बोला जाता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक ना। ये भाई परजीवी है, परजीवी मतलब जो दूसरे जीव पर आधारित रहता है यह है। और ये अनाक्सी परजीवी है, मतलब कि बिना ऑक्सीजन के वो रह जाता है, जैसे हमारे अंदर रहता है वैसे अनाक्सी परजीवी है। और ये आता इसको हम प्रोटोजोआ में, किताबी भाषा में प्रोटोजोआ में इसको ग्रुप में रखा गया है। इससे क्या होता है भाई कि जो कुछ भी हम खाएंगे पियेंगे ना, तो हमारे बड़ी आँत में रहता है, बड़ी आँत में होने पर ये हम कुछ भी खाएंगे पिएंगे तो वही पूरा चीज़ जितना प्रोटीन जो भी मिल रहा हमको वो खाता चला जाएगा। इस वजह से हमारे बॉडी में कुछ, जब प्रोटीन और ये सब चीज़ें, प्रोटीन की चीज़ें जो हमारे बॉडी की आवश्यकता है वो चीज़ नहीं मिलेगा, तो इस वजह से क्या है कि ना हमारा बॉडी सूखता चला जाएगा और कुछ भी खाएंगे हमारे बॉडी में नहीं लगेगा। इसको बोला जाता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का। ये बड़ी आँत में होता है और ये कुछ प्रॉब्लम के वजह से हो जाता है, जैसे कुछ मांस में पाया जाता है, इसका कुछ अंश की मांस खा लोगे तो ये हो जाता है, या तो बचपना में हो जाता है जैसे दूषित पानी पीने से या दूषित खाद्य पदार्थ खाने से, और ये ठीक भी हो जाता है। टैबलेट आते हैं, टैबलेट खाओगे तो इस ये काफ़ी थैली की नुमा में रहता है, जो फिर मतलब कि एक खंडित रूप में रहता है, जिसे खंड खंड के रूप में फ्रेश होने जाओगे तो वो मिलेगा, वाइट वाइट होता है। और इससे क्या होगा, और ज़्यादा बढ़ता गया, अब इसका इलाज नहीं कर रहे हैं, जैसे हमारे बॉडी में काफ़ी दिन तक बचपन से लेके 20-25 साल तक ऐसे बीच में हो गया, तो ये ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से हमारा पेट, उसी की वजह से वो परजीवी कीड़ा जो होता है उसी की वजह से हमारा जो है पेट दर्द होने लगता है, कुछ भी खाएंगे बॉडी में नहीं लगेगा। ये एक प्रॉब्लम है भाई, जो कि इसको हम ज़्यादातर देखा जाए तो लोगों में होता है ये, ठीक ना, दूषित और दूषित खाद्य पदार्थ से बचपना में हो जाता है। और आगे चल के ये अगर नहीं निकला तो इसी की वजह से अमाशय पेचिस होता है, अमाशय पेचिस से दस्त लगेगा, पेट दर्द होगा, फ्रेश होने जाओगे, बहुत ज़्यादा दर्द होगा, ये चीज़ होता है, ये कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन, बॉडी कुछ भी खा पी रहा है बॉडी में नहीं लग रहा है, मास्टरवेशन ज़्यादा कर देंगे तो हम पाचक क्रिया खराब हो जाएगा, इस वजह से हम कुछ भी खा रहे हैं। अब दवा भी खाएंगे, कोई भी माजूम खाएंगे और कुछ भी खाएंगे, क्या होगा, वो हमारे बॉडी में नहीं लगेगा भाई, ये चीज़ है, बॉडी में नहीं लगेगा। इस वजह से क्या है, मास्टरवेशन ज़्यादा कर देते हैं तो बहुत लोगों, हमारा पेट है ख़राब हो जाता है, कुछ भी खाएंगे पियेंगे जस खा रहे हैं जस निकल जाएगा, ऐसे होता है, केला खाएंगे वैसे ही केला निकल जाएगा, ऐसा होता है। और इसको वेट गेन में यही है कि भाई हम दवा के माध्यम से, पहला वाला कंडीशन बताओ, ये टैबलेट वेबलेट लोगे, अगर कीड़ा है, मान लो पेट में कीड़ा है तो टैबलेट लोगे तो अच्छी टैबलेट लोगे तो वो जल्दी हफ्ता 10 दिन में, वो एक हफ्ता के अंदर वो निकल जाएगा, और उसका जो कीड़ा होता है इतना बड़ा होता है भाई, 1 या 1.5 मीटर का, काफ़ी
काफ़ी मोटा होता, जो कि वही मेन होता, वही मतलब कि बच्चे जैसे देता रहता है, खंडित रूप में निकलता रहता है, वही पतले पतले, और वो काफ़ी मोटा होता है, उंगली के इतना होगा मोटा, जो जिनके पेट में कीड़े हैं खा मतलब कुछ भी खा रहे हैं बॉडी नहीं रहा, अगर कीड़े निकल रहे हैं फ्रेश होते टाइम निकलता है भाई, ये तो एनी टाइम भी निकलेगा। और दूसरा कंडीशन ये है कि भाई हम कुछ भी जैसे मास्टरबेशन कभी भी कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, हमारे बॉडी में हमारा पाचन क्रिया खराब हो जाता है, जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम बोला जाता है भाई, वो खराब होने की वजह से हमारा बॉडी में कुछ भी खाई में नहीं लगेगा। और इसको ठीक करने के ही कि भाई कहीं से भी अब्दुल्ला पठान भी तगड़ा होने की दवा देते हैं जिससे वेट गेन होगा, और अब्दुल्ला पठान के पास से जाके ले सकते हैं। और दूसरी बात क्या है कि यार अगर नेचुरल तरीके से, और वो भी दवा जो है नेचुरल तरीके से करो, कोई भी आपने हमारे बॉडी में हार्मोन्स रिलीज नहीं हो रहा कि हमारे वेट को गेन, ये दोनों कंडीशन मतलब दोनों, एक पहला और दूसरा बताएं ना प्रॉब्लम, ये दोनों प्रॉब्लम भी नहीं है, तो हमारे क्या है कि कोई भी हार्मोन्स रिलीज नहीं हो, तो इस वजह से क्या है कि हमारा वेट भी गेन नहीं होता, इस वजह से क्या है कि हम क्या है कि ना दवा के इस्तेमाल करने से वो हमारा हार्मोन्स रिलीज हो, इससे हमारा बॉडी गेन होने लगेगा, यह है दवा के माध्यम से। अगर कोई खान पियन से करना चाहता है तो भाई सुबह शाम खाना खाने के बाद, सुबह शाम खाना खाने के बाद दो दो केला और दूध, खाना खा चुके हैं फिर केला खा लो, फिर इसके बाद क्या है दूध पी लो, तो इससे क्या होगा, काफ़ी वक्त लगेगा, 2-3 महीना लग सकता है लगभग, इससे क्या होगा कि हमारा वेट उससे गेन होगा भाई, और इससे ज़्यादा तो मुझे जानकारी नहीं है। और तो जैसे गोलियां इस्तेमाल करते हैं, खाली गोली जैसे टेबलेट लोगे, गोली खा लोगे तो ये मुंह फूल जाएगा, इससे दिक्कत होता है भाई, ये सब चीज़ यूज ना करें। अगर कोई भी यूज करना चाह रहा है कि भूख वाला खोल निकाला है तो हमारा चेहरा फूल जाता है भाई, ये फूल जाएगा और बॉडी फूले चेहरा में फूले ना, चेहरा पहले पहले चेहरे पर इफेक्ट पड़ता है भाई, फिर बाद में जो भी है बॉडी उभार मार रहा है कि नहीं मार रहा वो दवा पर है। तो यही है भाई कि कुछ कंडीशन बता दिया हूँ भाई, राजकुमार यादव जी, आप जो कंडीशन लग रहा है वो आपको कंडीशन सही लग रहा है तो वो चीज़ करो भाई। अगर आपको दवा की आवश्यकता है कि आपके अंदर पहला और दूसरा प्रॉब्लम बताओ, वो दोनों प्रॉब्लम नहीं है, तो आप दवा ले सकते हैं अब्दुल्ला पठान की या कहीं से भी, फिलहाल जो ज़्यादातर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं भरोसे हैं, भरोसे लायक है तो उसको इस्तेमाल करें। तो इससे कहा कि जो हार्मोन्स हमारा बॉडी रिलीज नहीं हो रहा तो वो रिलीज होने लगेगा, इससे हमारा बॉडी गेन हो जाएगा। और बता दिया केला और दूध खा सकते हो, इससे भी होगा, बस यही है भाई कि कुछ भी खाओगे फिर इसके बाद लगने लगेगा, अगर कीड़ा उड़ा के प्रॉब्लम है तो वो भी होगा, अगर कुछ हार्मोन्स रिलीज नहीं हो रहा तो उससे होगा भाई। यही है कि भाई जो मेरे को जितना जानकारी है उतना बता दिया भाई, और आपको जैसे लगे भाई राजकुमार भाई तो वैसे कर लीजिएगा, और वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ओके।